एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 5 हाइलाइटिंग टूल्स जिसका आप अपने स्केचिंग में यूज कर सकते हैं हाईलाइट करने के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि कहीं स्केचेस में साइन वगैरह आती तो वहाँ पे बिल्कुल एक्सट्रीमली हाईलाइट रहते हैं। आईज में आप देख सकते हैं, हेयर्स में आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको 5 टूल्स दिखाने वाला हूँ आज के इस वीडियो में जिसका आप अपने स्केचेस में यूज कर सकते हैं हाईलाइट करने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हैं 5 टूल्स जो कि मैं हाइलाइटिंग में यूज़ करता हूँ। तो देखते हैं कौन कौन से टूल्स हैं। तो सबसे पहले तो है मेरे पास ये वाइट जेल पेन, सकुरा ब्रांड का है, जेली रोली। तो सेकंड नंबर पे है मेरे पास हाइलाइटर, जिसको करेक्शन पेन भी बोलते हैं लोग, और ये मैंने डॉम्स का परचेज किया था। एंड थर्ड पे है मेरे पास खाली पेन, जो कि इंडेंटिंग के लिए यूज़ करता हूँ मैं हाइलाइटिंग के लिए हेयर्स में। एंड फोर्थ पे है मेरे पास मोनो जीरो इरेजर, जो कि टोम्बो का है, मैंने मंगवाया था, अगर आपने इसकी वीडियो देखी हो तो। एंड लास्ट में है मेरे पास बैटरी इरेजर, जो कि तीहो ब्रांड का है। तो यहाँ तो प्रेस करने पर ये घूमता है, तो ये इसमें बैटरी डलती है और ये मोटर से चलती है। तो ये भी मैंने बताया था जब मैंने अपने सारे ड्राइंग मटेरियल्स मंगवाए थे दिल्ली से। तो चलिए देखते हैं कि इन टूल्स का यूज़ करके आप अपने ड्राइंग में किस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर टूल को यूज़ करके बताऊंगा कि किस तरीके से आप टूल्स का यूज़ कर सकते हैं हाईलाइट करने में। तो सबसे पहले मैं जेली रोली पेन का यूज़ करूंगा, जो कि वाइट जेल पेन है। तो इसको यूज़ करने के लिए पहले आपको शेडिंग वगैरह करनी होगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले चारकोल से शेडिंग करूँगा। अब मैं वेट जेल पेन को आपको यूज करके बताता हूँ किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है आपको, जहाँ पे आपको हाईलाइट लगानी है अपनी फोटो अकॉर्डिंग, वहाँ पे आपको इसको यूज करना है। अगर आपको हेयर्स बनाने हैं तो वाइट आप हेयर्स भी बना सकते हैं। एंड अगर आपको पॉइंट्स रखने हैं तो आप पॉइंट्स भी हाईलाइट दे सकते हैं। जैसे आपको अगर पॉइंट वॉइंट बनाने हैं अपनी ड्राइंग्स में, कहीं एक्सट्रीमली हाईलाइट देने हैं, तो वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। तो काफ़ी अच्छे तरीके से ये हाईलाइट कर देता है अपनी ड्राइंग में। आप इसको ग्रेफाइट के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते, आप इसको ओनली चारकोल के ऊपर यूज़ कर सकते हैं वाइट जेल पेन को। एंड अब मैं आपको वाइटनर का यूज़ करके दिखाता हूँ, जो कि करेक्शन पेन है। तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए भी मैं शेडिंग कर दूंगा यहाँ पे। यूज़ करके दिखा दूँ करेक्शन पेन को किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ नहीं, यूज़ करने के पहले आपको इसको सेक करना है। तो अच्छे से सेक करने के बाद जो उसके अंदर का लिक्विड रहता है वाइट वाइट, वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो आपको उसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं जिस तरीके से आपने वाइट जेल पेन को यूज़ किया था। बट इसमें एक प्रॉब्लम रहती है कि आप वाइट जेल पेन में काफ़ी थिन लाइन बना सकते हैं, बट इसमें आप थिन लाइन नहीं बना सकते, इसमें थिक लाइन बनेगी इसकी निप के अकॉर्डिंग। एंड अगर आपको इस तरीके से पॉइंट भी हाईलाइट करने हैं तो आप पॉइंट भी हाईलाइट कर सकते हैं इस तरीके से। तो अब मैं आपको बैटरी इरेजर का यूज करके बताने वाला हूँ कि आप बैटरी इरेजर का किस तरीके से यूज कर सकते हैं हाईलाइटिंग के लिए। तो यहाँ पे मैं चारकोल एंड ग्रेफाइट का दोनों का यूज करने वाला हूँ। चारकोल एंड ग्रेफाइट से दोनों से शेडिंग कर दी है। एंड अब मैं आपको इसको यूज़ करके दिखाऊं कि आप बैटरी इरेजर का किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ करने के लिए जो बटन दिया रहता है बैटरी इरेजर में, तो उसको आपको प्रेस करना है, तो ये घूमने लगती है। यहाँ पे मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ। तो देखिए ये घूम रही है, और छोड़ूंगा तो ये रुक जाएगी। तो आपको इस तरीके से यूज़ करना है। तो आपको यूज़ करना है तो आप इसको बटन प्रेस करेंगे और ये स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको जहां पर भी हाईलाइट बनाने हैं वहां पर आप हाईलाइट बना सकते हैं। जिस तरीके की हाईलाइट बनाने उस तरीके के आप हाईलाइट भी बना सकते हैं। अगर आपको इस तरीके से पॉइंट्स भी बनाने हैं तो आप पॉइंट भी बना सकते हैं।
एंड अब मैं आपको ग्रेफाइट के ऊपर यूज करके दिखाता हूँ। देखा आपने किस तरीके से आप बैटरी इरेजर का भी यूज कर सकते हैं। एंड अब मैं आपको बताता हूँ ये खाली पेन कि आप खाली पेन का किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली जो खाली पेन रहती है इसका हम इंडेंटिंग टेक्निक का यूज करते हैं जो कि हेयर्स में हाईलाइट बनाने के लिए होते हैं। तो आपको जहां पर भी हाईलाइट करना है वहां पर आपको इसको यूज करना होगा, जो अपने पेज पे कुछ इस तरीके से आपको प्रेशर लगा के लाइन क्रिएट करनी होगी। तो जहां पर मुझे हाईलाइट करने थे या हेयर्स में जहां पर मुझे बिल्कुल थिन थिन हाईलाइट बनाने थे हेयर्स के, तो वहां पे आपको इंडेंट करना है इस तरीके से पेपर के ऊपर। एंड अब इसके ऊपर आपको शेडिंग करनी है। तो कोई भी आप पेंसिल यूज कर सकते हैं, डार्क पेंसिल या लाइट पेंसिल। यूज करने के लिए आपको कुछ इस तरीके से शेड करना होगा। तो आप देख सकते हैं कितने फाइन हाइलाइट्स इस पे अचीव हो पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप इस पेन का, खाली पेन का यूज करके हाईलाइट बना सकते हैं। तो अब मैं आपको अपने कुछ स्केचेस दिखाने वाला हूँ जिसमें मैंने इन्हीं टेक्निक का यूज करके स्केचेस ड्रॉ किए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अगर इस स्केच की बात करूँ तो यहाँ पे जो आप ग्लासेस देख रहे हैं, जो ग्लासेस की वाइट फ्रेम है जो आपको अलग दिख रही होगी, ये मैंने वाइट जेल पेन का यूज करके ड्रॉ की थी। जो आपको ये कोट है ना, इस कोट को मैंने चारकोल से ड्रॉ किया था, और जो आपको इसमें डिजाइन वगैरह दिख रहे हैं वो मैंने बैटरी इरेजर का यूज करके ड्रॉ किए थे। और अब मैं आपको और कुछ स्केच दिखा दूंगा अपने। तो आप ये वाला स्केच देखिए, दीप का पादुकोण वाला, इसमें जो हाइट में बिल्कुल एक्सट्रीमली वाइट ये वाले और ये वाले, इसमें भी मैंने वाइट जेल पेन का यूज किया था। और जो इसका क्लॉथ है, इसमें जो डिजाइन दिख रही है आपको, इसमें मैंने बैटरी इरेजर का यूज किया था। एंड अब बात करें अपने अगले स्केचेस की, तो जो श्रद्धा कपूर वाला स्केच था इसमें भी मैंने जो हेयर्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, जो वाइट वाइट हाइलाइट्स दिख रहे हैं यहाँ पे और जो यहाँ पे और जो यहाँ पे, जो एक्सट्रीमली डार्क एरिया से आपको जो वाइट वाइट हाइलाइट्स दिख रहे हैं, इसमें मैंने इंडेंटिंग टेक्निक का यूज किया था पेन से। जो ये वाला पेन है इसी पेन का यूज किया था मैंने इंडेंटिंग टेक्निक के लिए। एंड जो आप वाइट बिल्कुल ब्लैक एक्सट्रीमली ब्लैक पे जो आप मेरा सिग्नेचर देख सकते हैं, इसमें भी मैंने वाइट जेल पेन का यूज किया था। और जो आप लिप्स देख सकते हैं, आईज में हाईलाइट देख सकते हैं, और इसमें जो आपको थोड़ी बहुत ज्वेलरी की शाइनिंग वगैरह दिख रही है, इसमें मैंने वाइट जेल पेन का यूज किया था और यहाँ पे जो आपको स्टोन्स में थोड़ा बहुत हाईलाइट दिख रहा है, ये मैंने बैटरी इरेजर का यूज करके की थी। तो कंप्लीट जो आप स्केच ड्रॉ कर सकते हैं इसमें ये टेक्निक्स काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। तो सबसे ज्यादा मैं वाइट जेल पेन का, बैटरी इरेजर का एंड इंडेंटिंग टेक्निक का यूज करता हूँ। तो ये तीन टेक्निक मेरी काफ़ी ज़्यादा फेवरेट हैं, जो कि मैं अपने ज़्यादातर स्केचेस में इन्हीं टेक्निक का यूज़ करता हूँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।